नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शोम शर्मा है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा 2 दिन पहले स्टेट एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट आ जाया है, जिसमें मैं और मेरे सारे कुलीग्स आज पास हो चुके हैं। अगर मैं स्टेट एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ तो टोटल 19 सब्जेक्ट्स थे और टीचर्स हमारे ताशकंद से भी आए थे, कुछ लोकल टीचर्स थे और कुछ इंडियन टीचर्स ने भी हमारा स्टेट एग्ज़ाम लिया। और सारा जो हमारा प्रोसेस था एग्ज़ाम का बहुत ही स्मूथ रहा, जिसमें मैं डॉक्टर सुनील शर्मा सर को और हमारे जो डीन फैकल्टी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी वजह से आज मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो चुका है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उज़्बेकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। और मैं इन द लास्ट आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आएँ और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। और अगर बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की, तो जो मेरा एडमिशन हुआ था वो बाय डॉक्टर सुनील शर्मा सर, जो MD हाउस के डायरेक्टर है, उनके थ्रू हुआ था। और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में फर्स्ट से लेकर 6th ईयर के जो मेरा प्रोसेस था उसमें मेरी पूरी हेल्प करी है, तो मैं अपने दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम राजशेखर सिंह। I'm a student of Samarkand State Medical University. I'm final year student. When I passed my OSCE exam, previously 2 days back, I had my MCQ exam as well. And I would like to thank Sunil sir for helping me out throughout the process. It was very smooth. The teachers are very good here and it's an excellent city. You guys should come and visit Samarkand for medical university. Thank you. Namaskar, mera naam Naveen Kumar hai. Main Mandi, Himachal Pradesh se hoon. मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। 2 दिन पहले ही हमारा स्टेट एग्ज़ाम हुआ है जिसका रिजल्ट आज आया है। उसमें सभी स्टूडेंट्स पास हो गए, अच्छे मार्क्स पास हो गए। डायरेक्टर, डीन और अपनी फैकल्टी का और स्पेशली डॉक्टर सुनील शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में। टीचर्स का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी। आप देख सकते हैं यहाँ मैं यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेस लगती हैं। स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो मेन सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसके लिए लैब्स हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स जो यहाँ सिखाई जाती हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड ईयर के बाद जो क्लासेस लगती हैं वो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में लगती हैं, जो क्लिनिकल होती हैं। और मेरा जो यहाँ पे स्टडी का टाइम था वो अच्छे से गया है, और जिसमें हमारे डॉक्टर सुनील शर्मा सर ने बहुत हेल्प करी है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं अभी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। हमारा 2 दिन पहले स्टेट एग्ज़ाम कम्प्लीट हुआ है। स्टेट एग्ज़ाम में बेसिकली वाइवा और प्रैक्टिकल 2 पार्ट होते हैं, और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारी मदद यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने भी की है, एज वेल एज यहाँ पे इंडियन टीचर और उज़्बेकिस्तान के लोकल टीचर्स से वो भी थे। इन सब ने मिलकर हमारी इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद करी और इस एग्ज़ाम का टोटल टाइम 1.5 आवर्स तक था। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैं स्पेशली थैंक देना चाहूँगा हमारे रेक्टर, डेप्यूटी डीन, डीन एंड MD हाउस का। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक Dr. Sunil Sharma for helping me from my first day from first year to the last day of graduation. Thank you. Hello everyone. My name is Dr. Apurav Soni and I am from Hamirpur, Himachal Pradesh. और मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ और आज मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। 2 दिन पहले हमारा स्टेट एग्ज़ाम था जिसका आज रिजल्ट आया, जो कि 100% रहा, जिसके लिए मैं हमारे MD हाउस के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील शर्मा और यूनिवर्सिटी की फैकल्टी सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं आप सबको भी रेकमेंड करूँगा कि आप उज़्बेकिस्तान की बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करें। और मैं आप सबको समरकंद सिटी के बारे में बताता हूँ। तो सिटी देखी जाए तो बहुत अच्छी है और मतलब घूमने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जगह है, जैसे कि सिल्क रोड और सिटी से भी बहुत स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। और बात की जाए यहाँ के लोकल्स की तो वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और यहाँ का कल्चर इंडिया के कल्चर से बहुत मैच करता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे जैसे कि पुराने एक्टर्स थे उनको भी बहुत फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे इंडियंस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ डॉक्टर सुनील शर्मा का, जिन्होंने हमारी फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक हेल्प करी और सब कुछ एकदम स्मूथली हो गया, तो थैंक यू। Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India. I am studying in Samarkand State Medical University and today we just finished our state exam, which is our OSCE and practical exam, and we really did very well with the help of our teachers and our
very own Devashi Dean, Dean, Rector, Vice Rector, and our very own Director of MP House, Dr. Sunil Sir. I'm very thankful to Sunil Sir because he gave me a wonderful opportunity to study here and to become a doctor. And we really grateful for him. And this university has really made our clinical practice very well. Hello, I am Dr. Brana Sharma. I just graduated from Samarga State Medical University. A couple of days back, we got our final exam, that which was MCQ and WASCE exam. MCQ went really well, and then we gave our WASCE exam, which included all the 19 subjects. There are 19 departments for their particular subjects, and the professors from those subjects takes our exam. Exam is taken oral as well as practically, and all the teachers were really supportive, and there were several Indian professors also, and we gave our exam and we passed it with flying colors. It was really well. And here you can see, this is our main building of Samarga State Medical University. It's a beautiful campus. First, second year I was studying, we have got all the equipments and all the technical things, and we number one studying here. Our dean, deputy dean, all our teachers and faculty, as well as doctors, they all helped us in our journey. It was really easy. You should really consider coming here. Thank you. అందరికి నమస్కారం. నా పేరు జితిన్ తేజ. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఈరోజు మాకు స్టేట్ ఎగ్జామ్ అయింది. ఈ స్టేట్ ఎగ్జామ్ లో మొత్తం 19 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ కి మా టీచర్ చాలా సాయం చేశారు. ఇక్కడ చదవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఈరోజు ఈ స్టేట్ ఎగ్జామ్ ని చాలా బాగా రాశాము. అలానే ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఎన్బీ హౌస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మిస్టర్ సునీల్ శర్మ సార్ అండ్ డీన్ అండ్ డిప్యూటీ డీన్ ఆఫ్ సమర్కల్ స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. థ్యాంక్ యూ. హలో, మే నామ్ రోషన్ సింగ్ సమర్కల్ స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ మే పడతా హూ. ఆజ్ హమే హాస్టల్ కి ఎగ్జామ్ దియే, హమారీ ఎగ్జామ్ బహుత్ అచ్చి హుయి హై, హమనే బహుత్ అచ్చి తయారీ కీ థీ. హమారే డీన్ భీ వహాన్ పే ఎగ్జామ్ కే సమయ ఉన్హోనే పూరా ధ్యాన్ దియా హమ్ పర్ కి హమారీ ఎగ్జామ్ కైసే జా రహీ హై. और ये बहुत स्मूथ हुआ प्रोसीजर. मैंने ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दी है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एम डी हाउस और सुनील सर का. उन्होंने हमारी मेहनत की है बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र प्रोसेस में, और फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स्थ ईयर तक सारा सब प्रोसीजर एकदम स्मूथ दिया है उन्होंने. मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. हेलो, नमस्ते. केवचो, मेरा नाम कल कजवानी है और मैं वडोदरा गुजरात से हूँ. आज हमारा वास्की एग्ज़ाम था और मैंने फाइनल ईयर अपना पास कर दिया है विद फ्लाइंग कलर्स. एंड ऑल्सो ये हमारा एग्ज़ाम दो पार्ट्स में कटअप हुआ था, एक था एमसीक्यू एंड एक था ऑस्की. एमसीक्यू में हमारे वाइस डीन थे वहाँ पे कंडक्ट करने के लिए एग्ज़ाम प्रॉपरली. एंड सेकेंडली हमारा ऑस्की एग्ज़ाम था जिसमें हमें 19 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं. फर्दर मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे इंडियन टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी है प्रिपरेशन में, एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव टूवर्ड्स अस. Lastly, I would like to thank Sunil sir throughout the process from first year to sixth year. उन्होंने बहुत help की है, so thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ. मेरा दो दिन पहले स्टेट एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आ जाया है, जो कि बहुत अच्छा हुआ. और जो हमारा स्टेट एग्जाम था उसमें 19 सब्जेक्ट थे, और हमारा जो स्टेट एग्ज़ाम था उसमें हमारे यहाँ के लोकल टीचर्स थे, और यहाँ की कैपिटल है ताशकंद, वहाँ से भी कुछ टीचर्स आए थे जिन्होंने हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया, और जिसमें कि हमारे एमसीक्यू भी थे, थ्योरी भी थी और प्रैक्टिकल भी था. जैसे प्रैक्टिकल में हमारा ऑस्की था जो कि हुआ, और जैसे ही बात की जाए फैकल्टी की तो उसमें हमारे इंडियन स्टाफ भी है प्लस हमारा यहाँ का लोकल स्टाफ भी है. और मोस्टली जो जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले हैं उनके लिए हमारा इंडियन स्टाफ ही ज़्यादा है, और जो फाइनल ईयर है उसके लिए यहाँ का लोकल स्टाफ ही है. और यहाँ पे क्लिनिकल और प्रैक्टिकल जो है वो काफ़ी अच्छा है. बात करें इस सिटी की तो सिटी भी बहुत खूबसूरत है. यहाँ पे जैसे कि हमारा रेगिस्तान स्क्वायर है प्लस हमारा सिल्क रोड है, जो कि घूमने के लिए बहुत अच्छा है. हम कभी कभार जैसे वीकेंड वगैरह रहता है तो उस पर घूमने वगैरह जाते हैं. सो आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर सुनील शर्मा जी का, जिन्होंने हमारी इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करी. और यहाँ की जो फैकल्टी है, जो हमारी इंडियन फैकल्टी है, सब टीचर्स का, पूरी यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूँगा. धन्यवाद. मेरा नाम हरी शर्मा, मैं दादाघाट हिमाचल प्रदेश से हूँ. आज हमारा रिजल्ट था, दो दिन पहले हमारा स्टेट एग्ज़ाम हुआ है और हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया है. उसके लिए मैं सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमारी प्रोसेस बहुत ही स्मूथली गई है
थैंक यू सो मच सुनील शर्मा सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुदाल है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। आज हमारा स्टेट एग्जाम का रिजल्ट आया था, जो एग्जाम हमने दो दिन पहले दिया था, जिसमें कि बाहर की यूनिवर्सिटी से भी टीचर्स आए थे और हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी के भी टीचर्स थे। हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। जो टीचर पढ़ाते हैं तो उससे भी बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी रहती है, प्लस एमसीए एग्जाम के लिए भी इजी रहता है, और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को, डीन को, वाइस रेक्टर को, और हमारे सर सुनील सर को, एमडी हाउस को, जिन्होंने हमारा सफ़र स्टार्टिंग से लेके और ग्रेजुएशन तक का बहुत ही आसान बना दिया। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। दो दिन पहले हमारा स्टेट एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें हम सब सिक्स ईयर वाले पास हो गए हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एमडी हाउस डॉक्टर सुनील शर्मा सर और यूनिवर्सिटी फैकल्टी डीन सर एंड डॉक्टर सर एंड ऑल, थैंक यू।